इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल डेट कैन सस्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन प्लेस्ड इन द फील्ड यानी कैपेसिटर की दो प्लेट प्लेट्स के दरियान में जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो डाइलैक्ट्रिक कहलाता है सबसे पहले बात करते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक की यहाँ पर हम वाटर के एटॉमिक व्यू की बात करेंगे एग्जाम्पल लेंगे अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं इन मॉलिक्यूल्स में एरोज ड्राए हुए हैं ये एरोस किसको रिप्रेजेंट करते हैं तो आप जानते हैं एक मालिक्यूल में क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल की बात करें तो उसके एक एंड पॉइंट पर पॉजिटिव और दूसरे एंड पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज होता है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती हैं सो ये जो हमारे पास एरोज़ हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन को रिप्रजेंट करें जो कि इंटरनल कहलाएगी मालिक्यूल्स के अंदर जौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जनरेट होंगी सो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की गैर मौजूदगी में जो मालिक्यूज हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है लेकिन अगर इन के ऊपर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो क्या अपने आप को एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको इंक्रीज करते जाएंगे जो इलेक्ट्रिक डायपल मूवमेंट है वो उसकी अलाइनमेंट में इजाफा होता जाएगा या फिर टम्परेचर को जो आ, हमारे पास डायपोज हैं उनके टेम्परेचर्स को डिक्रीज करके भी हम जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसकी अलाइनमेंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक आर दोज डाइलैक्ट्रिक इन विच द मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव द परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जैसा कि आप देखें तो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की गैर मौजूदगी में क्या है न्यूट्रल हैं लेकिन अगर इन्हीं मॉलिक्यूल्स या एटम्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान में रख दें यानी पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स के दरमियान में रखें तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो हमारे पास एटम्स हैं जो कि न्यूट्रल एटम थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक में तो जो हमारे पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक था वो किस में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गए पोलर डाइलेक्ट्रिक में यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वाई कैपेसिटेंस ऑफ पैरल प्लेट्स कैपेसिटर इंक्रीज विद द यूज ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियड ऑफ द फ्री स्पेस कहते हैं अगर किसी कैपेसिटर की पैरल प्लेट्स के दरमियान में डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज़ करें तो उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ हो जाती है वजह बतानी है हमने को इंक्रीज क्यों होती है एज कंपेयर टू फ्री स्पेस जो कि हमारे पास अगर दो प्लेट्स के दरमियान में फ्री स्पेस हो अगर उससे हम कंपेरिजन करें तो electric intensity between the plates decrease due to polarizations of the dielectric. This decrease in the intensity result in the decrease of the potential difference between the plates of the charge. जैसा कि अगर हम दा, इस dielectric की बात करें, तो यहाँ पर जो external electric field है, उसकी जो direction है, वो positive से negative की तरफ है। लेकिन हर dielectric के अंदर जो हमारे पास इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट है तो जो हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ये इफेक्ट क्या करेंगी ये सरफेस चार्ज डेंसिटी किसकी प्लेट्स की उसको डिक्रीज़ कर देंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर डिक्रीज़ हो जाती है तो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जौन सी है वो भी क्या है डिक्रीज़ हो जाएंगी बिकॉज अगर सिग्मा की वैल्यू डिक्रीज़ होती है तो ई की वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी डिक्रीज़ होगी यही उसने कहा था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो हमारे पास है वो बिटवीन द प्लेट्स वो डिक्रीज होती है किसकी वजह से ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ द डाईलैक्ट्रिक वजह क्या है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है बिकॉज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन है तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है तो कहते हैं जी दिस डिक्रीज़ इन द इंटेंसिटी रिजल्ट क्या निकलते है रिज़ल्ट इन द डिक्रीज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाता है डिक्रीज़ हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस किन के दरमियान में दो पैरेलल प्लेट्स जो हमारे पास कैपेसिटर की दो पैरेलल प्लेट्स हैं तो अगर ई हमारे पास डिक्रीज़ uh, हो रहा है तो हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या डिक्रीज़ हो जाएगा तो अग अगर आप इस फॉर्मूले की तरफ देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर डिक्रीज़ होगा तो जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगी इंक्रीज़ होगी बिकॉज सी और वी के दरमियान में रिलेशन क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जो कैपेसिटेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी के सो so अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगी इंक्रीज़ होगी यही वजह है कि जब हम किसी डाईलैक्ट्रिक को दो पैराल प्लेट्स कैपेसिटर की दो पैराल प्लेट्स के दरमिया में यूज़ करते हैं तो जो कैपेसिटर हमारे पास है उसकी कैपेसिटेंसी क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है वजह क्या है ड्यू टू डिक्रीज इन द पोटेंशियल डिफरेंस